नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल 4K Tech में। और आज मैं आपके लिए लिख रहा हूँ बहुत ही स्पेशल वीडियोस, क्योंकि आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आप अपने Google Analytics अकाउंट्स के लिए कैसे क्रिएट करते हैं, साथ ही साथ आप किस प्रकार से अपने YouTube चैनल से उसे लिंक कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ यार हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ हो सके तो उन दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा जिनको इस वीडियोज़ की आवश्यकता है। तो जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, हमने अपना YouTube चैनल वो ओपन कर रखा है। अभी हमें जाना है वीडियो मैनेजर में, और जैसे ही मैंने वीडियो मैनेजर में क्लिक करता हूँ तो आपको जो डैशबोर्ड है अभी बीटा वाला वो आपको ओपन हो जाएगा, या फिर आप क्लासिक यूज़ करते हैं तब भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको सेटिंग्स पर क्लिक करना है, और अदर सेटिंग्स पर जैसे ही आप उसको लाते हैं एडवांस चैनल सेटिंग्स आपको दिखने लगेंगी। जैसे ही आपने एडवांस चैनल सेटिंग पर क्लिक किया, आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। इस प्रकार के इंटरफेस में आप नीचे यहाँ पर आएंगे तो आपको गूगल एनालिटिक्स प्रॉपर्टीज़ ट्रैकिंग आईडी जो है वो स्पेशली नज़र आ रहा होगा, जो कि अभी यहाँ पर फिल नहीं है। मैंने गूगल पर किसी भी अपने ब्राउज़र से आप सर्च कर सकते हैं, गूगल एनालिटिक्स लिख कर आप सर्च मार सकते हैं, और आपने जैसे सर्च करेंगे आपको कुछ इस प्रकार का लिंक जो है मिल जाएगा। ध्यान रहे आपको इसी लिंक पर क्लिक करना है, और उसके बाद अपनी जीमेल आईडी से आपको लॉगिन कर लेना है। जैसे कि मैं अपनी जीमेल आईडी से लॉगिन कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर अपनी जीमेल आईडी को छुपा रखा है सिक्योरिटी रीजंस के कारण। देखिए मेरा इस प्रकार का इंटरफेस खुला है, आपका इस प्रकार का इंटरफेस नहीं खुलेगा क्योंकि आप जो है स्टार्टिंग में बना रहे होंगे। अगर आपका कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप साइड में इस प्रकार से क्लिक करेंगे और ऐड एन अकाउंट पर क्लिक करके आप इसी पेज पर आ जाएंगे जिस पर मैं इस समय ऑलरेडी हूँ। जैसे ही आप यहाँ पर आ जाते हैं फिर आपको कुछ नहीं करना है सिर्फ आपको, तो चलिए मैं आगे दिखाता हूँ आपको। तो आपको क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करते हैं आप इस इंटरफेस के इस पेज पर आ जाएंगे। देखिए इस पर अगर आपका कोई अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ नहीं था तब भी आपको, आप जैसे ही लॉगिन करेंगे साइन अप करेंगे तो आप इसी पेज पर आ जाएंगे। अब आपके लिए क्या करना है, यहाँ पर आपको अपने अकाउंट्स का नेम डालना है, जिस भी नाम से आप अपना अकाउंट्स बनाना चाहते हैं, और उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। अब आपको दोस्तों अगर आप अकाउंट वेबसाइट के लिए बना रहे हैं तो यहीं रहने दीजिएगा, अगर एप्लीकेशंस के लिए बना रहे हैं तो ऐप पर क्लिक कर लीजिए, और अगर दोनों चीज़ के लिए है तो ऐप एंड एप्लीकेशन दोनों, उसके बाद नेक्स्ट कर दीजिए। उसके बाद आपको अपनी वेबसाइट का नाम देना होगा, जो भी आपका वेबसाइट का नाम है वो आप यहाँ पर दे दीजिएगा। जैसे कि हमारे चैनल का जो नाम है वो 4K Tech है, तो मैंने 4K Tech डाल दिया है। अब आपको अपनी वेबसाइट चैनल्स जो भी आपका है उसका URL आपको देना होगा। तो जैसे कि मेरे पास मेरा यूट्यूब चैनल है और मैं इसी का जो URL है उसे कॉपी कर लेता हूँ। URL कॉपी करते समय आपको ध्यान रखना है सिर्फ www.youtube जो यहाँ पे यानी कि www स्टार्ट होता है वहीं से आपको कॉपी करना है। उसके बाद यहाँ पर नॉर्मली पेस्ट करना है, और उसके बाद https पर ही सिलेक्ट करना है। क्यों करना है आपको YouTube के उसमें आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको अपनी इंडस्ट्री यानी कि किस कैटेगरीज में आपका चैनल से आपकी वेबसाइट जो है वो आती है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। जैसे कि मैंने इंटरनेट एंड टेलीकॉम डाल दिया है, आप जिस भी फील्ड से हैं आप वो डाल दीजिएगा। इसके बाद आपको सिलेक्ट करना होगा अपना कंट्री, यानी कि जिस भी स्टेट से आप हैं उसे सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे मैं इंडिया से हूँ तो मैं इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आप इंडिया में देख रहे हैं तो सेम मेरी तरह प्रोसेस कीजिए, अगर आप किसी अदर कंट्रीज हैं तो अपने कंट्रीज चेंज कर लीजिएगा। जैसे ही आपने नेक्स्ट पर क्लिक किया, देखिए यहाँ पर फिर से आपकी कंट्रीज़ पूछ रहा है, क्योंकि ये टर्म एंड कंडीशंस के लिए पूछ रहा है, कुछ देश में अलग अलग हो सकती हैं इसलिए है। तो यहाँ पर भी मैंने इंडिया सेलेक्ट किया, और उसके बाद ऐसे आप आई आल्सो एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे, और इसे चाहें तो आप अपनी टर्म एंड कंडीशंस पढ़ लीजिएगा। वैसे इन्हें ज़्यादातर कोई पढ़ता नहीं है, ऐसे ही चलाते हैं सब लोग। उसके बाद आप एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे, सॉरी यार कुछ नॉइस आ रही होगी उसके लिए। तो अब उसके बाद देखिए ये लोडिंग हो रहा है और सक्सेस हो गया। जैसे ही आप इसे क्रिएट करते हैं आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट हो चुका है। अब आपके लिए ट्रैकिंग आईडी मिल चुकी है, ये आप UA149788 करके आपको जो आईडी दिख रही थी वही ट्रैकिंग आईडी है। देखिए मैं दोबारा दिखा देता हूँ ये वाली, इसी आईडी को आपको कॉपी कर लेना है, और इसी आईडी के लिए आपको अपने यूट्यूब चैनल के जो है जो गूगल एनालिटिक्स जो अकाउंट था उसमें दिख रही थी उसी में डाल देना है, यानी कि इसमें गूगल एनालिटिक्स प्रॉपर्टी ट्रैकिंग आईडी इसमें आपको पेस्ट कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप इस आईडी को फिल कर रहे हैं आपको जो, और जैसे ही आप सेव पर क्लिक कर रहे हैं आपको सक्सेसफुल का जो मैसेज है वो दिखने लगेगा। देखिए ऊपर आपको दिख रहा होगा योर चेंज हैव बीन सक्सेस सेव्ड लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि ये सेव हो चुका है। अब आपको क्या करना है, अब आप अपने सीधे गूगल यानी कि जो गूगल एनालिटिक्स अकाउंट था उसमें आ जाइएगा,
और उसमें आप इसे चेक कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं थोड़ा सा कि आप ट्रैकिंग कोड वगैरह है और जो भी बाकी जो प्रॉपर्टी यानी कि जो सेटिंग्स हैं उनको कर लीजिएगा। तो मैं जैसे देखिए सबसे पहले क्या है कि मैं गेट स्टार्ट पर क्लिक करता हूँ और इनके लिए जो कुछ यानी कि नॉर्मल से फीचर्स हैं इनके लिए ऑन कर लेता हूँ। आप चाहें तो इन्हें कर लीजिएगा, अगर नहीं करते हैं फिर भी आपके लिए जो है दिखाई देने लगेगा, लेकिन बेहतर रहेगा कि आप इसे कर लें। तो मैं इन्हें थोड़ी सेटिंग्स हैं इसके लिए कर लेता हूँ अकाउंट्स में। अगर आप इन सेटिंग्स को नहीं भी करते हैं फिर भी आपका जो है अकाउंट में प्रॉपरली आपका डाटा जो है वो दिखने लगेगा और आपको जो है अपने चैनल्स के कौन कहाँ से विजिट कर रहा है ये पता चलने लगेगा। जैसे मैंने इस पर डन किया, ये जो है कम्प्लीटली सक्सेसफुल हो जाएगा। तो थोड़ा वेट करते हैं, ये देखिएगा सेव का ऑप्शन हमारे पास आ चुका है, हमने सेव किया और ये सेव सक्सेसफुल आप देख सकते हैं ऊपर आ भी चुका है। अब आपको क्या करना है, अब हमको देखना है कि किस प्रकार से हमारा जो चैनल्स है वो वर्क कर रहा है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पीछे, अगर आपका ये पेज नहीं आता है तो मैंने आपको नहीं दिखाया है, फिर आप यहाँ पर आ सकते हैं। अब आपको क्या करना होगा, आपको डैशबोर्ड पर क्रिएट कर लीजिएगा अपना डैशबोर्ड। डैशबोर्ड क्रिएट करने का एक फ़ायदा है कि आप इसे जैसे कर लेते हैं तो आपको ज़्यादा कहीं देखने की ज़रूरत नहीं होती, बस डैशबोर्ड पर क्लिक कीजिए और आराम से आपको मिल जाएगा। तो मैंने ये डैशबोर्ड अपना क्लिक कर लिया है, आप भी मेरी तरह क्लिक कर लीजिए यानी कि क्रिएट कर लीजिएगा। अब देखिए वन यूज़र वगैरह यूज़र इसमें कुछ भी नहीं है, यानी कि कोई भी हमारा अभी भी यानी कि एक्टिव यूज़र्स वगैरह नहीं है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इन्हें कैसे करके जो है हम मेंटेन यानी कि मेंशन कर सकते हैं। तो अब मैं देखिए कस्टम रिपोर्ट्स वगैरह ये सारी रिपोर्ट्स हैं, लेकिन इनको आप रियल टाइम पर आ जाइएगा यानी कि ओवरव्यू पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप इस डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। इस डैशबोर्ड में देखिए राइट नाउ नीचे लिखा है थोड़ा सा ये वाला आप देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ ऊपर इंट्रोडक्शन दिए गए हैं यानी कि इंस्ट्रक्शन है, हमें रूल्स वगैरह बताए गए हैं कि यहाँ से आप अपनी समझ सकते हैं क्या है कैसे ये सारी चीज़ें हैं। आप चाहें तो इन्हें देख लीजिएगा वरना इसे हटा दीजिएगा, जैसे मैं इसे हटा देता हूँ। राइट नाउ देख सकते हैं आप कोई भी मेरा एक्टिव यूज़र्स नहीं है, पूरा डाटा मैंने आपको दिखा दिया है अपना। और अब मैं आपको ले चलता हूँ अपने यूट्यूब चैनल्स पर, जहाँ से मैं आपको उसके बाद यहाँ दिखाऊँगा कि किस प्रकार से यहाँ आता है। जैसे मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर आया तो उसको एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ, देखिए मैंने रिफ्रेश कर दिया है। अब हम यहाँ आते हैं और जैसे ही हम देखते हैं तो हमें ये डाटा दिखाने लगेगा कि हाँ इस पेज को एक बार रिफ्रेश आप ज़रूर कर लें, क्योंकि रिफ्रेश करने के बाद आपको आसानी से डाटा दिखने लगेगा। देखिए लोडिंग हुआ है, देखिए राइट नाउ अभी जीरो, देखिए वन हो गया, यानी कि आप ये मेरा ही नंबर है कि मैंने अभी इसे विजिट किया था अपने चैनल्स को, और ये मेरे चैनल्स का आप नीचे देख सकते हैं URLs भी आपको दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ से आप समझ सकते हैं कि आप अपने सारे यूट्यूब चैनल्स के या अपनी वेबसाइट्स के डाटा को ट्रैक कर सकते हैं और ये देख सकते हैं कि हमारे चैनल्स पर व्यू जो है किस कहाँ से आ रहे हैं, किस कंट्री से। वैसे आप जो है YTD से भी देख सकते हैं, लेकिन ये आपको एक एक जानकारी बहुत अच्छे तरीके से प्रोवाइड कराता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ हो सके तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय बाय।